रही है, मट्ठा लग रही है, खुद ये तो ऊपर ही जाओगे गाड़ी में। हाँ बना रखा है इसे बिल्कुल, क्या कलाकारी से बना रखा है, आपको दिख रहा होगा। पैन के जो आगे के ढक्कन होते हैं उसे काट के बना रखा है इसको, और हम लगा रहे हैं मट्ठा अभी। हाँ तेरे जब ऊपर पूरी ही मट्ठा लग जाएगी फिर बोलता है दिखाएंगे तेरे ऊपर आपको ही और जाओगे। मक्खन वगैरह। इसे लगा के काफ़ी टाइम हो गया है, मतलब अभी तक इसमें पूरा नहीं आ रहा है, बाहर निकल रहा है इससे। तो हम डालते हैं बड़े बर्तन की और इसमें डालते हैं, फिर बनाएंगे फिर दोबारा से। आज जो है परांठे वगैरह बनेंगे मक्खन से साथ, बिल्कुल ही आज खाएंगे परांठे बस। अच्छा ये जो है भाई बना रहे हैं मट्ठा को, देखिए कैसे कर रहे हैं वो, कैसे घुमा रहे हैं इसको बिल्कुल ही। देखते हैं मक्खन निकलता है या नहीं निकलता, कब निकलता है। काफ़ी टाइम हो गया इसे, मतलब घुमा घुमा के थक गया हूँ मैं तो। अब भाई घुमा रहे हैं इसको, देखते हैं जरा कब इसमें मक्खन आता है। और हमारा मक्खन बन के तैयार हो गया है, आपको दिख रहा होगा ऊपर ऊपर ही मक्खन है बहुत सारा। देख रहा अब हूँ इसे बहुत मेहनत लग रही निकालेंगे है हम मैं। आपको। हाय हाय मजे ही मजे, परांठे बनेंगे आज तो, आलू के आज परांठे। हमारे आलू के परांठे बनेंगे, ओह माय गॉड, बहुत सारा मक्खन बन के तैयार हो चुका है। अच्छे से यूं इतना सारा मक्खन निकला है बस, तो सिंह जाकर रहना है, इसमें ठंडा पानी आ रही, ठंडा पानी आ रहा है, रहना तो सही है, इतना आ रही, बहुत ठंडा पानी आ रहा है, इतना सारा मक्खन निकला है, वो दिख रहा होगा। अब आलू के परांठे बनाते हैं, और फिर आलू के परांठे के साथ खाते हैं बढ़िया करके। अब डाल दें इसको हम कटोरे में। मट्ठा निकाला है गाइस हमने, दो बार जो मक्खन निकाला है इससे, इसमें भी है ये मट्ठा है और इसमें दोबारा से मक्खन है वाला। और जो पहली बार निकाला था वही है यहाँ पे, इतना सारा मक्खन आ चुका है हमारा, करीबन 10 दिन का मक्खन है। अब आज बनते हैं परांठे, इसके बाद फिर खाते हैं परांठे के साथ। मिलते हैं आपको बाद में जब परांठे वगैरह बन जाएंगे। लच्छा परांठा बनाने जा रही है, ये मक्खन है, ये भी दोनों मक्खन है, और इसमें से हमने आधा निकाल लिया है, ये ऋषभ है, और ये परांठा बनाएंगे और मैं इसमें मक्खन लगाऊंगा। ये देखो जोगिंदर के परांठे, थारा भाई जोगिंदर, ये देखो ये परांठे का साइज है, कौन खाएगा परांठा बताओ। थारा भाई जोगिंदर आज इतने परांठे खाएगा, इतने परांठे खाएगा तुमने सोची ना होगी। आज देखते हैं परांठा। हाँ ऋषभ हमारे जो परांठे तैयार हो चुके हैं बन के, अंदर रूम में धुआं ही धुआं हो रहा है बिल्कुल। इधर भाई और खा रहे हैं खाना बैठ के। हाय गाइस, ये बड़े भाई हैं, ऐसे छोटे वाले हैं, खा रहे हैं ये मक्खन है। परांठे का साइज दिख रहा होगा आपको कितना बड़ा है, काफ़ी बड़ा साइज है परांठे का, देखिए पूरे थाली में आ गए साइज। अब खाते हैं इसे फटाफट से, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।